दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी अंडर 19 से निकला है और अब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है दिलीप ट्रॉफी में। और यश ढुल की बात कर रहा हूं मैं, और इस खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी पूरी करने से तो खैर ये चूक गया, लेकिन 193 रन बनाकर इस खिलाड़ी ने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, नॉर्थ जोन का मुकाबला चल रहा है ईस्ट जोन से दिलीप ट्रॉफी का, और उसमें यश ढुल ने 193 रन की पारी खेली है, 243 गेंदों का सामना करके 28 चौके लगाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं उन्होंने शानदार, और अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 3 विकेट पर 433 रन। और यह भी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो अटैक था बहुत ही आला दर्जे का अटैक था। ईशान पोरल जो भारत ए की ओर से खेलते रहे हैं और वो उनके सामने थे, आकाशदीप को आपने देखा आईपीएल में, इसके अलावा शाहबाज नदीम जिनको आप भारतीय टीम में खेल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, रांची टेस्ट में ये भारतीय टीम के सदस्य थे, और साथ ही शाहबाज अहमद जिन्हें भारतीय टीम में प्रवेश दिया गया था पिछले दिनों, और रियान पराग भी थे। ये सब था उनके सामने अटैक, और इस अटैक के सामने इस खिलाड़ी ने बनाए हैं 193 रन। हम आपको याद दिला दें कि ये खिलाड़ी ने तमिलनाडु के खिलाफ जब रणजी ट्रॉफी मुकाबला हुआ तो दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई थी, 113 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में 113 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे थे। छत्तीसगढ़ की टीम सामने आई तो इस खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी बनाई, और डबल सेंचुरी बनाने के साथ ही ये नॉट आउट भी रहे थे। और अंडर 19 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 110 रन बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, और 3 हाफ सेंचुरी इसके अलावा लगाई थी, यानी 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी। और इस तरह से इस खिलाड़ी ने पृथ्वी शाह और सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जी हाँ, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी सेंचुरी बनाई अपने डेब्यू मैच में, और दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में भी सेंचुरी बनाई, और अब ये तीसरे क्रिकेटर हो गए हैं यश ढुल, सचिन तेंदुलकर और पृथ्वी शाह के बाद, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी का आगाज और दिलीप ट्रॉफी का आगाज सेंचुरी के साथ किया है। अब एक रिकॉर्ड और है जो सचिन तेंदुलकर का के नाम है, उसे भी ये ध्वस्त कर सकते हैं, बस उसके लिए जरूरत है कि इन्हें ईरानी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिले शेष भारत की तरफ से, रणजी चैंपियन के साथ उसका मुकाबला होता है, और यदि उनको उस टीम में चुन लिया जाता है और वहां भी अगर इन्होंने सेंचुरी बना दी तो फिर समझिए कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड जो है उसके बराबरी कर ली है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भारत के अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाई है। ये खिलाड़ी रणजी और दिलीप ट्रॉफी में सेंचुरी बना चुका है, अब ईरानी ट्रॉफी का इंतजार है, जब भी इसे मौका मिलेगा तो इसे जरूर ये अंजाम तक पहुंचाएगा। इससे पहले मनन वोरा के साथ भी इन्होंने इस पारी के दौरान सेंचुरी पार्टनरशिप की है। इससे पहले ईस्ट जोन ने 397 रन का स्कोर खड़ा किया था, जहां विराट सिंह झारखंड के खिलाड़ी जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, 117 रन बनाए, सुदीप धरामी ने बनाए 68 रन, और उसके बाद 68 रन, और अनुस्तूप मजूमदार ने 62 रन का योगदान दिया, और वहीं नवदीप सैनी और निशांत ने 3-3 विकेट हासिल किए। नवदीप सैनी तो भारतीय क्रिकेट टीम से खेल चुके हैं, मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, तो आप उम्मीद कीजिए यश ढुल का बल्ला इसी तरह से गरजता रहेगा, और 193 रन की पारी से जो उन्होंने सबका दिल जीता है, ये आगे भी इस तरह की पारियां उनके बल्ले से जरूर दिखाई देंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।